सेलेनियस रिफ्लेक्शंस ऑफ द चेयर हजरत साहब का वॉल्यूम नंबर 23 है। मेरी गुजारिश है कि इसका इफ्तिताह जनाब राजबब्बर साहब के हाथों हो। सचर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अखबारात में और पॉलिटिकल सर्कल्स में खूब मजाक होता है, कुछ भी नहीं हुआ, कोई रिकमेंडेशन नहीं हुआ, सरकार ने कोई काम नहीं किया, धोखा है। ये एक बहुत बड़ा मसला था और गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट भी कोई ज्यादा जवाब नहीं दे पा रही थी। उसके ऊपर हजरत ने एक ये रिपोर्ट लिखी है कि सचर के 7 साल बाद रिफ्लेक्शन क्या हुआ। और इस रिपोर्ट की खास बात यह है कि सचर की एक एक रिकमेंडेशन को हजरत ने दिया है, उसके बाद उस पर कौन सी स्कीम बनी, उसका क्या बेनिफिट हुआ, वो सारा का सारा डिटेल में जवाब है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि सचर कमेटी पे सरकार ने कोई काम नहीं किया। हाँ, इसमें एक डिस्क्लेमर है, वो ये है कि ग्राउंड की रियलिटीज का डेटा क्योंकि अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाया है, इसलिए ग्राउंड पे इसका इम्प्लीमेंटेशन का स्टेटस क्या है वो अभी इस रिपोर्ट में आना बाकी है।